हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेजिटेबल गार्डनिंग अजय पे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आप जो है घर पे सोया का सीड को कैसे जर्मिनेट कर सकते हैं, यानी कि सोया के साग को आप सीड से जर्मिनेट करना चाहते हैं तो किस तरीके से जर्मिनेट करेंगे। आज के वीडियो में मैं कम्प्लीट इसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो देख सकते हैं मैं इस तरीके से स्क्वायर कंटेनर पे जो है आज सोया का सीड ग्रो करने वाला हूं। तो किन किन स्टेप को फॉलो करके आप मेरे जैसा जो है सोया साग के सीड को जर्मिनेट कर सकते हैं, इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा तो आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। तो किसी भी प्रकार के सीड जर्मिनेट करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सोया साग ही लगा रहा हूँ तो आप भी सोया साग लगाइए, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि यदि आप किसी भी प्रकार के सीड जर्मिनेट करना चाहते हैं तो किन किन बात को आप अच्छे से फॉलो करेंगे ताकि जो आप जो भी सीड जर्मिनेट करेंगे वो अच्छे से ग्रो हो जाए। तो देख सकते हैं आप जो पॉट का साइज मैं कुछ इस तरीके से स्क्वायर का ले रहा हूँ, तो आप स्क्वायर या फिर राउंड किसी भी तरह के ले सकते हैं। तो पहला बात आता है कि जिस भी पॉट में आप जो है सीड ग्रो करना चाहते हैं तो उस पॉट के अंदर सबसे पहले वाटर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। वाटर ड्रेनेज सिस्टम देख सकते हैं मेरा जो है यहाँ पे चार वाटर ड्रेनेज सिस्टम मैं यहाँ पे बनाया हुआ हूँ अपने पॉट में, जिसमें आज सोया साग को ग्रो करने वाला हूँ। ड्रेनेज सिस्टम बनाने का कारण क्या है, क्यों हम लोग ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं अपने पॉट के अंदर? तो जब भी आप मान लीजिए कि कभी आपको लग रहा है कि इसमें मैंने ज़्यादा एक्सेसिव वाटर दे दिया है तो वो ड्रेनेज से निकल जाए। यदि वो वाटर आपके पॉट के अंदर जमा रहेगा तो उससे जो है सीड जर्मिनेट ना हो करके वो सीड सड़ जाता है। तो इसी तरीके से जब भी आप सीड जर्मिनेट करेंगे तो कोशिश कीजिए कि उस पॉट या फिर सीड ट्रे में जो है ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल बना लीजिए, ताकि जब आप कभी ज़्यादा वाटर दे देंगे तो वो वाटर जो है अच्छे से निकल जाए, वो आपको सीड को सड़ने से बचाए। पहला चीज मैंने बताया कि ड्रेनेज सिस्टम आपके पॉट के अंदर होना चाहिए। अब मैं जो सोया साग आज ग्रो करने वाला हूं जिसका कि सीड, उसमें हम लोग सोयल किस तरीके से लेंगे। तो सोयल जब भी आप किसी प्रकार का सीड जर्मिनेट करते हैं तो कोशिश कीजिए कि जो आप सोयल लेंगे वो भर्मी कंपोस्ट और साथ ही साथ गार्डन सोयल लेंगे। तो मैं अपना यहाँ पे जो आज मैं सोयल ले रहा हूँ उसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं कौन सा सोयल ले रहा हूँ। तो देख सकते हैं मेरा जो सोयल है वो कुछ इस तरीके से, इसमें मैंने भर्मी कंपोस्ट और कुछ गार्डन सोयल ऐड किया हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम इस पॉट को अच्छी तरीके से पूरा भर देते हैं। कुछ इस तरीके से जब आप अपने पॉट में 75% जो है भर्मी कंपोस्ट और सोयल ऐड कर देंगे, उसके बाद क्या करना, आपको थोड़ा सा इसमें वाटरिंग कर देना है ताकि जब आप सीड इसके अंदर डालेंगे तो वो एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं हो, वो अपने जगह पे रहे। तो इस तरीके से जो है हल्का वाटरिंग करने के बाद जो है आप इसमें जो है सीड डाल देंगे। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे एक और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब आप सीड लेते हो तो कोशिश कीजिए कि आप बेस्ट क्वालिटी का ही सीड लेंगे, ताकि आप उससे 4-5 बार हार्वेस्ट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा उससे वेजिटेबल या फिर साग लगा रहे हैं तो वो ले सके। तो मैं यहाँ पे जो है बेस्ट क्वालिटी का सोया साग लिया हूँ। यदि इस प्रकार का आपको सीड लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जो है अपने जो है एक अच्छे से प्लेट में निकाल लेते हैं। सोया साग को अच्छे से, सोया साग का सीड को जो है अच्छे से मैंने यहाँ पे जो है निकाल लिया अपने प्लेट में। उसके बाद थोड़ा थोड़ा क्या करना है, अपने इस तरीके से जो है सोयल के ऊपर यहाँ पे भर्मी कंपोस्ट जो जिस पे भी आप लगाना चाहते हैं उस पे अच्छे से जो है इस तरीके से बिखेर देंगे। कुछ इस तरीके से बिखेर देने के बाद जो है इसमें देखिए थोड़ा सा मेरा लग चुका है थोड़ा सा सीड। अब इसको मैं थोड़ा सा पानी दे करके यहाँ से हटा देता हूँ। अब इसके ऊपर क्या करना, आपको फिर से जो है भर्मी कंपोस्ट, यदि आपके पास हो तो भर्मी कंपोस्ट दे करके आप सिंपली जो है सीड जो है जिसको मैंने आपने लगाया है उसको अच्छे से ढक देंगे। कुछ इस तरीके से ढकने के बाद जो है आपको फिर से वाटरिंग कर देना है। कोशिश करें कि जो है आप फर्स्ट टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वाटरिंग नहीं करें, नहीं तो आपका सीड जो है वो सड़ जाएगा।
तो कुछ इस तरीके से हल्का जो है आपको वाटरिंग करना है। यदि आपके पास स्प्रे बोतल हो तो कोशिश कीजिए कि आप स्प्रे बोतल से ही इस पर स्प्रे कर देंगे। अब बात आता है कि ये जो सीड मैंने जर्मिनेट कर दिया है, अब इसको किस जगह पे रखना है। ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पे धूप हमेशा आती हो, या फिर इसको ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पे धूप अभी नहीं आती हो। तो कोशिश कीजिए कि जब आपका सीड लगाए हुए हैं अभी, तो इसको 4 से 5 दिन तक आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे सनलाइट नहीं आती हो। जब इससे छोटे छोटे जो है प्लांट निकल जाएंगे, सोया सीड अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे, तब उसको कोशिश कीजिए कि आप धूप में रखने के लिए। लेकिन अभी शुरुआत में 4 से 5 दिन तक आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखें। उसके बाद क्या आपको इसमें सावधानी बरतनी होगी ताकि आपका जो सोया सीड है वो अच्छे से ग्रो हो जाए। तो जब इससे छोटे छोटे से प्लांट निकल जाएंगे तो आप उसको इस तरीके का मॉस्क्यूटो नेट से कवर कर देंगे ताकि बर्ड्स का अटैक इस पर ना हो, क्योंकि बर्ड्स जो होती है, चिड़िया जो होती है, वो छोटे छोटे प्लांट को चुग जाते हैं। तो इसी तरीके से जो है आपको इसको कवर करके रखना है। तो आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपना होम गार्डन के अंदर सोया साग के सीड को जर्मिनेट कर सकते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे बने रहेंगे तो इसमें से किस तरीके से मेरा सोया साग जो है जर्मिनेट होता है, इसका फुल अपडेट मैं अपने चैनल पे दिखाता रहूंगा। अगर इस टाइप का आप गार्डनिंग का वीडियो पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।